हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में, जहाँ बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। एंड फ्रेंड, विंटर आ चुकी है और मुझे बहुत सारे डीएम आए हैं फ्रॉम माय सब्सक्राइबर कि आप मुझे विंटर में स्किन केयर के बारे में बताओ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एसेंशियल चीज़ें, यानी कि डूज एंड डोंट्स इन विंटर, जो कि आपके स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑयल आते हैं हमारे चेहरे पे, लेकिन जो ठंड का समय होता है ना, उस वक्त हमारे स्किन की ड्राइनेस बढ़ जाती है, हमारे स्किन में जो नेचुरल जो ऑयल होते हैं ना, वो भी रिड्यूस होने लगता है। इसके लिए सबसे पहले डोंट्स में क्या है कि आप कभी भी फोम बेस्ड फेस वॉश या फिर सोप ना यूज करें, क्योंकि फ्रेंड जो फोम बेस्ड होते हैं ना, उसमें सल्फेट होते हैं और वो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा हार्श करते हैं, ड्राई करते हैं, इचनेस की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप बात करते हैं डूज की। तो उसमें क्या करना है आपको कि अपने फेस के लिए आपको जेल बेस्ड सोप या फिर आपको फेस वॉश यूज करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर पिक दिखा रही हूँ, मैं अभी रिसेंटली खादी के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, और खादी के जो जेल बेस्ड फेस वॉश होते हैं ना, वो आपके फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपके फेस को हमेशा स्मूथ बनाए रखेंगे, सफल बनाए रखेंगे और आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। एंड यस, यदि आप नेचुरल रेमेडी यूज करना चाहते हैं तो मिल्क इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करता है, येट मॉइस्चराइज भी करता है। तो ये थी क्लीनिंग। फ्रेंड, जो दूसरा डूज एंड डोंट्स है ना, वो है स्क्रबिंग को लेके, आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं डोंट्स की। तो फ्रेंड, कभी भी चारकोल बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, जो स्क्रबिंग होती है, उसको आप यूज ना करें। जैसे वॉलनट की स्क्रबिंग आती है जो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई आउट कर देती है, उसमें फ्रिकल्स होने के चांसेस, ब्रेकआउट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आप ऐसे स्क्रब मत यूज कीजिए जो कि आपके स्किन को एक्सट्रीम ड्राई कर देंगे। अब बात करते हैं डूज की। तो अब डूज में क्या है कि आप ऐसे स्क्रब यूज करें जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बेस्ड हो, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल विथ सुगर ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कोकोनट ऑयल जो होता है, वो हम सबको पता है, वो मॉइस्चराइजर का काम करता है, हमारे स्किन की डार्क सर्कल्स को, हमारे स्किन की डार्क पैचेस को रिड्यूस करता है। प्लस यदि आप उसमें सुगर ऐड करेंगे तो सुगर हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है, प्लस उसमें एक लश्चर ऐड करता है, एक जिसे हम बोलते हैं ना लचक, हमारे स्किन की इलास्टिसिटी उसको मेंटेन रखता है। तो आप ये वाला स्क्रब यूज करें, बट ध्यान रखें कि कभी भी वीक में 3 से 4 बार स्क्रब नहीं करने, 1 to 2 times जो है वो इनफ है आपके लिए, क्योंकि फ्रेंड जो सर्दी का मौसम होता है ना, वो उस समय हमारे स्किन काफी ज्यादा ड्राई होती है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा स्क्रब ना करें। इनफैक्ट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्लर में फेशियल ना करवाएं, क्योंकि हमारे जो स्किन की नेचुरल ऑयल होती है ना, वो भी रिड्यूस होती है बहुत ही ज्यादा मसाज करने से, बहुत ही ज्यादा स्क्रब करने से, फेशियल करने से। तो आप ज्यादा से ज्यादा होम रेमेडीज यूज करें। फ्रेंड, तीसरा है डूज एंड डोंट्स, वो है मॉइस्चराइजर को लेके। विंटर में मॉइस्चराइजेशन की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है। अब यदि डोंट्स की बात करें तो कभी भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर या फिर सल्फेट बेस्ड मॉइस्चराइजर आप ना यूज करें। अब डूज की बात करें तो आप हमेशा एक थिक कंसिस्टेंसी वाली जो मॉइस्चराइजर होती है ना, आप वो यूज करें। यदि आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो काफी थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और यदि आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई है तो आप एक मीडियम बेस्ड कंसिस्टेंसी वाली जो मॉइस्चराइजर होती है ना, आप वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड, जो फोर्थ डूज एंड डोंट्स है वो है सनस्क्रीन को लेके। अब फ्रेंड क्या होता है ना कि गर्मियों में हम बोलते हैं कि धूप बहुत ज्यादा तेज होती है तो हमें सनस्क्रीन की जरूरत होती है, तो हम गर्मियों में तो काफी ज्यादा सनस्क्रीन यूज करते हैं। बस ठंड में क्या करते हैं, यार ठंड में उतनी धूप होती नहीं और धूप हमें बड़े अच्छे लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, सनस्क्रीन को स्किप कर देते हैं। तो डोंट्स में ये है कि आप सनस्क्रीन को स्किप ना करें। एंड डोंट्स में ये है कि आप जब भी सनस्क्रीन यूज करें तो उसमें आप ये देखिएगा कि SPF 30 to 50 होनी चाहिए। तो आप जरूर याद रखिएगा कि आप जब भी धूप में जाएं तो उसके 20 to 30 minutes पहले सनस्क्रीन जरूर लगाएं। फ्रेंड, स्किन केयर में जो आखिरी डूज एंड डोंट्स है वो है फेस पैक को लेके। अब फ्रेंड क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि हमारी जो स्किन हो वो हमेशा ग्लो करे, हमेशा शाइन करे, उसमें एक चमक हो जो नेचुरली विजिबल हो। तो इसके लिए क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैक यूज करना चाहते हैं, बट हमेशा याद रखिएगा कि डोंट में दो तरह के पैक आपको बिल्कुल नहीं यूज करने है। पहला, पील ऑफ मास्क। किसी भी तरह के पील ऑफ मास्क को जिसको लगाने के बाद, सूखने के बाद जब हम खींचते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे स्किन की जो नेचुरल ऑयल होती है वो उससे भी ले जाता है,
उसे भी रिड्यूस करता है। इसीलिए इस तरह के पैक समर में या फिर बरसात के सीजन में बहुत अच्छे होते हैं, बट विंटर में इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बिल्कुल आपके स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। और दूसरा, चारकोल बेस्ड कोई भी फेस पैक, अब चारकोल से हम बोलते हैं कि हमारे स्किन को वो एक्स्ट्रा क्लीन करता है, लेकिन फ्रेंड क्लीन करने के साथ साथ आपके नेचुरल ऑयल को बिल्कुल वो खत्म कर देता है। आप हमेशा नोटिस करते होंगे, यदि आप कभी भी चारकोल का पैक यूज किए हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसी पैक को यूज करने के बाद आपकी स्किन जो है एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, और ये आपकी स्किन में इतनी फ्रिकीनेस बढ़ देगा ना, इतना ज्यादा खिंचाव आपको महसूस होगा कि आप खुद सोचोगे कि मेरी स्किन इतनी ड्राई क्यों लग रही है। तो डोंट्स में हमेशा याद रखिएगा, इस दो तरह के पैक को आपको यूज नहीं करनी है। अब आपको किस तरह की पैक यूज करनी है, तो डूज में ये है कि जो क्रीम बेस्ड होती है, लाइक मलाई की जो पेस्ट होती है, आप अपनी मदर से पूछ सकते हो, बहुत सारे मलाई के पैक्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक नेचुरल पैक बताती हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है कर्ड, सेम अमाउंट में आपको लेना है मिल्क पाउडर एंड देन हनी। आप तीनों को मिलाइए और बहुत अच्छा सा वो पैक बन के तैयार हो जाता है। और आप वीक में यदि उसे एक दिन भी अप्लाई करोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन का जो लश्चर है, जो इलास्टिसिटी, जो हम बोलते हैं ना कि हमारे स्किन में एक मॉइस्चर होता है, वो उसे आपको बैलेंस करके देगा। तो फ्रेंड इस तरह की जो DIY जो होती है ना फेस पैक, आप उसको ज़्यादा कंसिडर कीजिए इन विंटर। और यदि आप ऑनलाइन जाएंगे या फिर जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो जाएंगे, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस तरह के पैक विंटर में यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितना इजी था विंटर में अपनी स्किन का ख्याल रखना, बस आपको थोड़े से डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना होगा। एंड आई होप कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके सारे सवालों का जवाब मिल गया, क्योंकि मैंने आपको कंप्लीट केयर बताया है अपने स्किन का। और यदि आपके कोई और भी क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, ताकि मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे सकूँ, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। और यदि वीडियो आपको पसंद आया, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ स्टाइलिश में रहिए। मैं नेक्स्ट फिर से मिल जाऊंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।